हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ वेरी नेक्स्ट डे। और अभी हम लोग निकल चुके हैं हम लोग का होटल से, और हम लोग का डेस्टिनेशन है टुवर्ड्स काकड़ाझोर। है यार, ये गूगल मैप ना भी कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ कहाँ से रोड बता देता है। तो अभी गूगल मैप बता रहा है राइट से गली लेने के लिए, वो वाला। बोलछी सर, काकड़ा झोड़ जाबो, बेलपहाड़ी, बेलपहाड़ी कौन दिक्कत नेबो? ये रास्ता तो और ठीक है सर। दही जुड़ी पावे? अच्छा, दही जुड़ी है अपनी लेफ्ट साइड जो भी ले। हाँ, उठा तो बाईपास रास्ता है, ठीक है, रास्ता। अच्छा अच्छा, तर मैंने इटा दूरे सोचा मार बो। ठीक है, थैंक यू सर। उत्तरपाड़ा बाली डायरेक्शन लेके थोड़ा सा डाउट था, उसलिए कॉप्स से हेल्प मांग लिए। और गाइस, यहाँ का कॉप्स भी बहुत हेल्पफुल था, अच्छा से मेरे को समझा दिया किस रूट से जाना है, जहाँ रोड अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी होगा। एंड गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8 AM और हम लोग को आज किसी भी तरह से शाम होने से पहले काकड़ाझोड़ में इंटर करना है। और उससे पहले बेलपहाड़ी में बहुत सारा घूमने का जगह, तो वो सब घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। एंड गाइस, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में अच्छा खासा सीन वगैरह मिस हो जाए। तो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस लेके वीडियो को पूरा देखिए। है क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। चारों तरफ हरियाली एंड हरियाली, मतलब लाइक पेड़ पौधा और बीच से सीधा रोड। तो ये रोड देख के मन तो कर रहा है थोड़ा बहुत गाड़ी को भगाने का, बट गाइस एक्चुअली ये सब रोड में गाड़ी भगा के मज़ा नहीं है। मतलब जो मज़ा चारों तरफ का सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने में है, वो मज़ा गाड़ी को भगा के नहीं है। कितना खूबसूरत जगह है यार। क्या कर रहा है पैर को पूरा मजा ले रहा है, अब खड़ा हो गया है। और गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घाघरा फॉल्स, फिर वहाँ से जाएंगे खादा रानी डैम, ये दो जगह बेलपहाड़ी में है। फिर देखते हैं और क्या घूमने का जगह है, तो दिखाएंगे आप लोग को। तो भाई लोग, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा रुके हैं फॉर क्लिकिंग सम पिक्चर्स एंड ऑल, और जस्ट हैव अ लुक गाइस, लोकेशन कितना खूबसूरत है और हम लोग का बाइक भी कितना सुंदर लग रहा है सब। सो गाइज, आफ्टर 40 किलोमीटर राइड और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बेलपहाड़ी, और बहुत ज़ोर से भूख लगा है क्योंकि अच्छा से नाश्ता भी नहीं किए थे। तो यहाँ नाश्ता करते हैं और साइड सीन घूमते हैं। बेलपहाड़ी पहुँचे गए थे। Thank you.
बहुत देर से भूख लगा था, उसलिए एकदम पूरा दबा के ब्रेकफास्ट किए हैं। और लंच भी आज कितना बजे करेंगे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि काकड़ा जो पहुँचते पहुँचते लगभग 3:30-4 तो बजेगा ही। और यहाँ से घाघरा फॉल्स और 7 किलोमीटर है, बट दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है लास्ट का 5 या 6 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड करना पड़ेगा, सामने से लेफ्ट लेना पड़ेगा, देन पूरा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस R15 लेके ऑफ रोड मतलब पूरा बैंड बज जाएगा मेरा पिछुआड़ा का। ओ गॉस अभी शुरू हो रहा है पूरा ऑफ रोड। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं घाघरा फॉल्स में, और वाओ लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। भीतर बाइक रखते हैं और देखते हैं ये फॉल्स कितना खूबसूरत है। सो गाइज यही है बेल पहाड़ी का घाघरा फॉल्स, और एक नज़र में देख के कुछ खास तो नहीं लगा जगह मेरे को। और आज 1 जनवरी है इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, मेरे पीछे राइट साइड में सब पिकनिक वगैरह कर रहा है। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं घाघरा फॉल्स पे, और ये है हम लोग का पूरा ग्रुप। और अरे चोले से भाई वहाँ पीछे पीछे आ रहे हैं हम लोग का RDX भाई, क्योंकि वो सब स्लो है सब चीज में। तो कुछ देर घाघरा फॉल्स में टाइम बिताने का बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग का अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है खादा रानी लेक। बड़ा ही अजीब सा नाम है। और गाइस देखिए लोकेशन कितना सही है, अभी हम लोग पूरा जंगल के भीतर से जा रहे हैं। गूगल मैप में पूरा चारों तरफ ग्रीन और ग्रीन दिख रहा है, बीच से एक पतला रोड। तो सो फार बहुत ही मज़ा हो रहा है। एंड गाइस आई होप आप लोग ये वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे के राइड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रोड पे बहुत सारा पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह है, तो और मैं नहीं चाहता हूँ ये सबको ऊपर से जाके मेरा R15 यहाँ लीक हो जाए और पंचर हो जाए, क्योंकि यहाँ आसपास 10-15 किलोमीटर तो शायद पंचर ठीक करने का दुकान भी नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत मुश्किल में पड़ जाऊँगा। सो धीरे चला रहा हूँ, जगह का एंजॉय कर रहा हूँ एंड फील ले रहा हूँ पूरा। और अभी तो मैं सबसे आगे, बाकी सब मेरे पीछे। एक्चुअली मैं ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और बाकी सब मेरे पीछे आ रहा है। मेरे पीछे है अरिजीत, NS में, फिर RDX, डोमिनर में, और
पीकू एंड और एक तरमदा शायद बहुत ही पीछे है। और लगता है हम लोग पहुंच गए हैं खादा रानी डैम में, और मेरे सामने है गरीबों का टोल प्लाजा। कितना देना पड़ेगा क्या पता। कत करे तो ये वाला जो जगह है खादा रानी, फिर यहाँ भी हम लोग का 10 रुपया करके एंट्री फी था, फिर पहले बार जो वो फॉल्स में गए थे वहाँ भी 10 रुपया था, मतलब हर जगह 10-10 करके दे देकर पूरा पॉकेट खाली। बाकी लोग कहाँ पीछे रह गए यार। ओके गाइस, तो भीतर जाके क्या व्यू है वो दिखाएंगे आपको, अभी बंद करते हैं। ओके बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस ये हम लोग पहुंच चुके हैं, ये जगह कोई बोलता है खादा रानी, और ये एक डैम है। देखिए जैसे हम लोग को पुरुलिया में बहुत डैम मिलता था वैसा ही यहाँ भी ये डैम है खादा रानी। और दूर में एक पहाड़ दिख रहा है, मतलब R15 लेके मेरा फर्स्ट टाइम इतना ऑफ रोड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ऑफ रोड में दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज बाकी सब रोड में बहुत ही कंफर्टेबल हो रहा है, गाड़ी भी बहुत स्मूथ चल रहा है। और पीछे हम लोग का बैग काई किया हुआ है। और पहले जगह से एटलीस्ट ये जगह मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आसपास का नज़ारा एक बार आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं। घाघरा फॉल से नो डाउट ये बहुत ही अच्छा है, नाम अजीब है यार खादा रानी, बट जगह काफ़ी सुंदर है। और आप लोगों को ये दोनों जगह में से कौन सा जगह ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ये सब जगह का बारे में तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूँगा। गाइस अभी ये खूबसूरत जगह को छोड़ के निकल रहे हैं, और फिर से वो रोड से ऑफ रोड करना पड़ेगा। बाप रे बाप, मेरा तो सोच के ही फट रहा है, फिर से वो ऑफ रोड डेंजर वाला। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाके आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं डांगी कुसुम बोल के एक मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, और गाइस जस्ट एक बार रोड देख लीजिए, और गूगल मैप बता रहा है ये वाला रोड पकड़ के सीधा 8 किलोमीटर। अबे यार, आई मिस माय एक्सपर्स। व्हाट अ रोड, व्हाट अ व्यू गाइस। Oh my god, what a view! Oh! और अभी यहाँ होगा बाइकर लोगों का डांस, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ हाँ हाँ, और हम लोग ऊपर 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 चढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ से ये पहाड़ शुरू होता है वहाँ से मेरा मस्ती का लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता है।